शॉट्स प्लीज. वेल, अगर उस शॉट्स में अदरक, हनी और तुलसी वगैरह है तो भैया 4 से ज्यादा दे दो, क्योंकि यहाँ पर तो गला और नाक दोनों ही परेशान कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल मैं अपनी बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं फोमो शॉट्स की, जिसका तीसरा सीजन आने को तैयार है. अब सीजन नया आ रहा है तो कलाकारों से मुलाकात भी नहीं होनी चाहिए. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुरभिरन सिंह और आप सभी का वेलकम है एबीपी न्यूज पे. और आज हमारे साथ है फोर मोर शॉट्स प्लीज सीजन 3 के कास्ट. तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप सीजन 3 के लिए, क्योंकि दोनों सीजन्स को लोगों ने इतना पसंद किया है. तो क्या कुछ प्रेशर आप लोग फील करते हैं कि जब शूट कर रहे हो, कोई 2 सीजन्स ऑलरेडी आ चुके हों जिसे लोगों ने इतना प्यार किया हो, तो क्या ऐसा प्रेशर फील होता है? कैन आई जस्ट डू दिस हेयर फॉर यू? हमारा ये बात हमारे सामने आ रहा है. वी आर ऑल्सो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि हमें मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, या आई मीन ऑफकोर्स 2 सीजन्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं तो हमें भी लगता है कि यार आई होप तीसरे में भी लोगों को उतना ही मजा आए. हाँ, इनफैक्ट तीसरा पहले 2 से बेटर होना चाहिए. तो एक हल्का फुल्का प्रेशर मैं महसूस करती हूँ पर्सनली, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारा एक्साइटमेंट है, उससे कहीं ज़्यादा हमारा शो को लेकर कॉन्फिडेंस है कि यार मतलब हमारा ये रियलाइज़ आई थिंक हुआ है हमें पिछले 2-3 साल में कि लोगों का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है फोर मोर शॉट्स को लेकर कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो हमारी बहुत लॉयल फैन बेस है हमारे शो की. तो वो जानते हैं क्या आने वाला है, वो जैसा भी होगा देखेंगे, बहुत प्यार देंगे. तो इसका भी एक बहुत बड़ा हम सबको कॉन्फिडेंस है. एंड फिलहाल तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज 2 साल बाद शो आ रहा है और हम आज ही ट्रेलर लॉन्च हुआ है और लोगों की रिएक्शंस देख रहे हैं. तो रियली जस्ट वेटिंग फॉर 21st फॉर एवरीवन टू एक्चुअली वॉच द शो. सैनी, आप क्या कहना चाहोगे? यार प्रेशर तो नहीं कहूँगी, मैं अपने लिए बात कर सकती हूँ, पर सीज़न 3 मुझे लगता है मुझे बहुत मज़ा आया और काफ़ी देर से बनी क्योंकि 3 वेव्स कोविड लॉकडाउन हो गया, काफ़ी इंडिविजुअली हमारे साथ चीज़ें हुई हैं, घर पे काफ़ी दिन बैठे हुए थे सब लोग. पर जो हमारी नई डायरेक्टर है जोइता, वो जो एक बहुत अच्छी एक एनर्जी लेके आए हैं वो, और मुझे लगता है जैसा राइटिंग है जो हम चारों के साथ जो हो रहा है, जो हमारी इंडिविजुअल जर्नीज होंगी अभी सीजन 3 में, वो बहुत एक्साइटिंग होगी. और मुझे तो लगता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खुद देखने के लिए, और मुझे लगता है कुछ अलग और कुछ और ज़्यादा हम कर पाए हैं इस सीज़न में. और पहले 2 सीजन से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली हैं क्योंकि हमें पता है जो चीज़ें वर्क करती हैं और उसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है. वो राइटर्स, शो रनर्स, यू नो, क्रिएटर्स, जो द डायरेक्शन टीम, द कैमरा टीम, ऑल ऑफ अस, द अदर एक्टर्स, जो नए एक्टर्स आए हैं, तो सब ने मिल के कोशिश यही रही है कि और भी बेहतर बनाया जाए ताकि हमारा जो एक लॉयल, जैसे कीर्ति बोल रही थी, लॉयल फैन बेस है. और सिर्फ इंडिया में भी नहीं, पूरे दुनिया में एक्चुअली हम जब ट्रैवल करते हैं बहुत लोग हमें आके बोलते हैं उनको कितना पसंद है हमारा शो. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आप बहुत तमीज़ से बनाएं, तो वो कोशिश रही है. अनवी, आप क्या कहना चाहोगे? कितना अलग, कुछ किरदार में कुछ एडिशन हुआ है, कुछ अलग देखने को मिलने वाला है इस बार? तो जैसा मानवी ने कहा, बट आई थिंक जैसा शायनी ने बोला ना कि एक एनर्जी जो जोइता लेके आई सेट पे, एंड इन जनरल 3rd सीजन में, क्योंकि 2 पैंडमिक, 2 लॉकडाउन के बाद हम लोग मिल रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, तो एक बहुत पॉजिटिविटी थी सेट पे. एंड हम सब को था कि यार ये सीजन अच्छा बनाएंगे एंड अच्छा होगा. एंड हमने स्क्रिप्ट तो पढ़ी भी थी, तो एनीवे हमको एक वो ट्रस्ट तो था स्क्रिप्ट पे. और फिर हमको ये भी था कि हमने स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं थी, स्क्रिप्ट तो पढ़ी नहीं थी, तो हमें पता व्हाट स्क्रिप्ट, तो वो उस पे फिर काम करने में बहुत मजा आया. थोड़ा सा मैं अपने कैरेक्टर को लेके थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मतलब
आई डोंट नो वो कहाँ, मतलब वो कहीं भी जा सकता है, या तो लोगों को वो बहुत पसंद आ सकता है या लोगों को लगेगा यार ये क्या है. एंड स्पेशली क्योंकि सीजन टू में मुझे बहुत प्यार मिला था तो इस बार गालियां नहीं पड़नी चाहिए. दैट्स व्हाई वुड बी कंसर्न. ओके वानी, आपको क्या लगता है इस सीजन में आपके क्या, जैसे दोनों सीजन में सबने आपके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया है, इस बार क्या एडिशन है, इस बार क्या अलग है? Well, सिर्फ उमंग के ज़िंदगी में नहीं बट आई थिंक बाकी गर्ल्स की ज़िंदगी में भी आपने देखा होगा ट्रेलर में इतने सारे नए फेसेस हैं, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे आपके. अरे दे डोंट नो दैट, काफ़ी नए फेसेस ऐड हुए हैं टू द कास्ट और उनके साथ साथ देर इज़ ऑब्वियसली new angles that are being formed, new opportunities aayenge in the show for many of the characters. So I think wo dekhne mein audience ko bahut maza aayega. Thoda sa dukh bhi ho sakta hai kyunki purane characters kahan gaye uske bare mein aur kaun se relationships abhi aage badhenge ya nahi jayenge unke bare mein bhi we get to know a lot about that in this season. Kyunki season 2 mein to sabko maloom hai ki kya hua tha hamari zindagi mein with our relative partners in the season. To also ye season is all about endings in a way, endings and closure. So we get to go back in our past, jaise ki Kirti ne pehle bhi bola hua hai about battling all of our demons. Demons ko hindi mein kya bolte hai, rakshas, shaitan. To hamare past mein jo bhi shaitan hai, we get to go and address those issues. And of course kai bari we don't want to go there kyunki wo bahut mushkil jagah hoti hai jaane ke liye, because you have to really answer yourself. आप ये जवाब किसी और आपको देने नहीं वाला कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, yes you should still be with this person, no you should move on, हाँ आपने गलती करी है, ये आपको अपने आप के अंदर ही जाकर you have to find out what is the truth. तो that is what this whole season is about. It's all of us individually going to these dark places alone, and sometimes we have support of each other, yeah. Obviously क्योंकि the show is about our friendship. तो in the highs and the lows we're there, man. We go explore all these places, but we always come back together. So that's what it's about this season. Okay. So दो seasons आ चुके हैं और season 3 का trailer आया है. तो क्या अभी भी ऐसा होता है कि trailer आने के पहले या show release होने के पहले आप एक रात पहले किसी को call करते हैं, नींद नहीं आ रही होती है कि क्या क्या होगा, लोग पसंद करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ conversation आप लोगों के बीच में होता है? अभी हमारे पास WhatsApp groups है तो I remember कल हमने पूरा दिन almost trailer को लेके ही बातें हो रही थी. यार रोंगिता जो हमारी producer है, I think she individually called all of us to speak and ask about कि क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है. So हाँ, मतलब एक jitteriness तो रहती है, थोड़ा सा nervousness रहती है, excitement रहता है. और हम सबसे पहले हम क्या सोचते हैं ट्रेलर के बारे में, हम क्या सोचेंगे शो के बारे में, ये हमें हमारी टीम को एक दूसरे को बहुत मैटर करता है. लोग बाद में देखेंगे लेकिन हमारे खुद के ओपिनियंस हमें बहुत हमें पसंद आना चाहिए. बिल्कुल एक वो एनर्जी, एक नर्वस सी एक्साइटेड सी एनर्जी रहती है बातों में व्हाट्सएप पे. सो हाँ, हम कोशिश करते हैं एक साथ देखें, कभी होता नहीं. इस साल मैंने अपने ऊपर ठान लिया है कि मैं सबको लेके देखूंगी. हाँ, पहली बार सुन रहे हैं हम लोग इसके बारे में, बता तो दे चलेगा से. हाँ अभी या सिर्फ इंटरव्यू में ऑलरेडी इन under it's planning. Already inside is internalized first, it'll be externalized. No, I'm it's in planning. By the time you spill it out, hum sabke already plans hai. Okay. I won't even be here right? But Manvi and I saw the first season together. In my house. The Emmys also together. Yeah, we saw the Emmys together. And second season when we were watching, but we were lockdown tha. तो हम लोग टेस्ट कर रहे थे, फिर कॉल कर रहे थे कि अच्छा 6 एपिसोड हो गया वैसा. तो स्क्रीनशॉट ले ले कहाँ है कहाँ है तो वैसा. पर कुछ आपने प्लान किया कि कैसे कहाँ पे देखने वाले हैं, क्या सेटअप होने वाला है? तो प्लान बनाए लेकिन हम इनवाइट तो नहीं मिली. हम प्लान बना रहे हैं जिनके घर पे बड़ा, सबसे बड़ा टेलीविजन. प्लानिंग आस्था एंड आई प्लानिंग बेसिकली. सो दैट वाज की लेट्स फिगर आउट करके गाइस, दिस वाज हिज हाउस. शो आने के पहले
कहानी जाने की एक्साइटमेंट होती है, उतनी ही बीटीएस जो चीजें होती है, जो फन मोमेंट आप लोग ने किया होता है, वो भी जाने की बहुत एक्साइटमेंट होती है. तो कुछ आप लोग ऐसा शेयर करना चाहेंगे, कुछ फनी मोमेंट हुआ? मैं बीटीएस के बारे में बहुत कुछ शेयर करूंगी, बिकॉज आई हैव बीन द अनऑफिशियल बीटीएस वीडियोग्राफर ऑन लाइक द पास्ट 2 इयर्स. तो पिछले 2 सालों में जब भी, मतलब एवरी सीजन जब भी हम कुछ ना कुछ शूट करते हैं ना, I am always ready with my phone to take pictures and take videos. इतना footage हमारे पास, हमारा इसके पास. मेरे तो अपना अलग सा season बना दिया मैंने. Photo नहीं देती है madam. नहीं मिलेगा. Because you will see it. और हमें shoot करती रहती है. मतलब IP rights. When you see the vlogs, you will be so happy. It's going to be so fun. All the memories will come back after the season is out. So after the 21st. But yeah, share some fun moments. So yes, दो fun moments हैं. मैं एक बोल के पास. सिर्फ दो. दो साल में सिर्फ दो. जो मुझे याद है. One was, हम अभी इटली में एक सीन है जो आप ट्रेलर में भी है, यू कैन सी बानी जंपिंग इनटू अ लेक. तो वो जब हम कर रहे थे, वही बोल रही हूँ, सर्दी बहुत ठंड थी और पानी और ज्यादा ठंडा, फ्रीजिंग सो मच सो दैट हमें जोयता एंड रोहिता ने दोनों ने आके बोल दिया कि गाइस मत करो, ये वाला सीन नहीं करते, हम कुछ उसके अराउंड कर लेंगे कि दिखा देंगे, आवाज आ जाएगी, आप लोग कूदे हो, देन विजुअली विल शो उसके अगले सीन में कि हल्का बाल गीले. पर इस वक्त तक I was prepared mentally. I was like, अब तो भाई कूदेंगे कूदेंगे. उन्होंने बोला मत कूदो. पानी ने बोला वैसे आई डोंट माइंड, आई डू इट. तो जयता ने बोला कि ठीक है अगर तुम कर सकते हो तो. नहीं, शी डिडंट से ठीक है, शी वाज लाइक you'll do it. I was like, I'll do it. No, then she looked at, then she looked at us. Okay, then she said, guys, do you want to do it? हमने एक दूसरे को देखा, हमने कहा पूरा कॉन्फिडेंस से हम गए, हमने कहा हाँ ये बचा लेगी, और मैंने भी फुल कॉन्फिडेंस से बोला यस गर्ल्स डोंट वरी आई गॉट यू. ABP News, आपको रखे आगे.